जब कोई प्रूफ नहीं आपके पास और उस तरीके से मेरे मेरी गाड़ी जब्त कर लो पहले भी उसके पास फोन करो तो यह बात कहना कि मैंने कहा कि कोई प्रूफ है आपके पास तो आप कोर्ट में फरियाइएगा। एक नई इतिहास 4 जून के बाद लिखी जाएगी और मुझे लगता है कि डेस्टिनी ने हमें इतिहास बनाने ही भेजा। पप्पू यादव ने तो दुनिया को पता है ना कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया डेली बांटता है। आज मतदान का दिन है पूर्णिया में, पप्पू यादव हमारे साथ हैं। पप्पू जी, आज मतदान का दिन है, क्या मैसेज है आपकी तरफ? सर, सबसे पहले तो पूर्णिया, सीमांचल, कोसी, बिहार के साथ साथ देश की जिस पप्पू परिवार ने एक बेटे की तरह हमारे दिल में जगह दिया और आशीर्वाद दिया और सबकी ब्लेसिंग, एवरीवन, चाहे वो कोई हो, कोई दल हो, किसी जात के लोग हो, किसी भी दल के वोटर हो और किसी भी दल के वर्कर हो, सबने पप्पू यादव को ब्लेसिंग दिया है और इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता है। कल भी बहुत सारे लोगों ने अपील किया मेरे खिलाफ, बड़े नेताओं ने अपील किया मेरे खिलाफ, लेकिन तेजस्वी यादव तो बैठे रहे हैं आपको हरवाने के लिए चुनाव पूरा। तो मैं कह रहा हूँ बड़े नेताओं ने कल मेरे खिलाफ हरवाने के लिए कौन भैया, वो जिताने नहीं आए थे। मुझे दुख तो इस बात का है वो अपने दल को जिताने नहीं आए, वो जदयू को जिताने आए। अपन आरोप लगा कि कल आप पैसे बांट रहे थे रात में, डमी ईवीएम्स जो होती हैं, कुछ गाड़ियां भी जब्त हुई, क्या सच्चाई क्या है? तो आप एक बात बताइए ना, पप्पू यादव के पास पैसे हो तो हम ना बांटे, चंदा और भीख मांग करके। भैया मैंने वही कहा, कहीं आप बता ही नहीं, कोई बोलेगा ना कि पप्पू यादव कहीं थे, कोई वीडियो, कोई पब्लिक बोला कि पप्पू यादव आप पैसा बांटे, और पैसा बांटने की जरूरत कैंडिडेट को क्यों पड़ेगी? और दिन में पप्पू यादव जब कहीं डूबने मरने हरने में डेली जाता है, कल भी जा रहे थे, बहुत कानून के खिलाफ काम किया कटिहार के DSP ने, DM ने, जब कोई प्रूफ नहीं आपके पास और उस तरीके से मेरी गाड़ी जब्त कर लो पहले भी उसके बाद फ़ोन करो तो यह बात कहना, हमने कहा कि कोई प्रूफ है आपके पास तो आप कोर्ट में फरियाइएगा प्रूफ, हमको मन था कर लिए। त्रिकोणीय मुकाबला है पूर्णिया में, मुकाबला अभी 2 घंटे में आप शहर देख लीजिए, मुकाबला और पूर्णिया, सर दिस पूर्णिया पर देश की ब्लेसिंग हो, हम मुकाबला की बात आप कर रहे हैं। सर आपके सामने सब कुछ है, सर मैं इतना जानता हूँ ये पूर्णिया का चुनाव नहीं हो रहा है, MP का चुनाव नहीं हो रहा है, ये राजनीतिक इतिहास बदलने का, एक इतिहास बनाने का, और जिस किसी ने महाभारत की स्क्रिप्ट लिखी है फिर से महाभारत इसी पूर्णिया से दोहराया जाएगा। एक नई इतिहास 4 जून के बाद लिखी जाएगी और मुझे लगता है कि डेस्टिनी ने हमें इतिहास बनाने ही भेजा और निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश इस पूर्णिया ने दिया है, नो हिंदू मुसलमान, नो बैकवर्ड फॉरवर्ड, नो कास्ट, नो रिलीजन। एक अंतिम सवाल, पप्पू यादव के बारे में कहा जा रहा है कि अगर जीत गए तो पुराना बाहुबली वाला दौर आ जाएगा वापस। मुझको तो समझ में नहीं आता, 10 साल पहले भी तो हम थे मधेपुरा में थे ना, 40 सालों से हम हैं ना। मुझे एक बात बताइए, कोरोना में पैसा या जिंदगी किसने दी? देश के किसी नेता ने दी? मरते तो हम ना, 46 लाख में अकेले हम ही ना मरते, पटना के बाढ़ में हम ही ना मरते, पीछे की अपनी जमीन न बेच करके हमने 90 कट्ठा पटना के बाढ़ में दिया है जस्ट ये, और जस्ट कोर्ट स्टेशन के बगल में 5 बीघा जमीन बेच के ना पप्पू यादव कोरोना में पैसा दिया है। ये जमीन अब 40 सालों से जमीन है ये, और खाली पड़ी हुई जमीन बेचा मैंने। सर पहले ये तो समझिए कि पप्पू, ये जिसके पास बिहार में नेताओं के पास एक मोटरसाइकिल नहीं, गाड़ी नहीं थी, जो शराब के धंधे, पेट्रोल पंप के धंधे से लेके दुनिया के सब कुकर्म करके पैसे कहाँ से कमाए? और पप्पू यादव ने तो दुनिया को पता है ना
कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया डेली बांटता है। तो सर ये बांटने की ताकत देश में नहीं दुनिया में अकेला पप्पू को है, और कोरोना में मरने की भी ताकत अकेला पप्पू को है, बाढ़ में भी मरने की ताकत अकेला पप्पू को है, और अपनी संपत्ति बेच के दुनिया को देने की ताकत अकेला पप्पू को है। तो जब अकेला ही पप्पू को सब कुछ है, तो जो लोग कुछ आज भी 40-43 सालों के बाद, अंतिम सवाल चलते चलते, उम्मीदें कितनी हैं सर? सर हम जनता के दिल को जीत चुके हैं और सबका आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। उम्मीद की छोड़िए, मैं इतना जानता हूँ पूरा देश का ये हॉट हिट है सीधा, आप समझिए, और सबकी ब्लेसिंग मिल चुकी, सबका सर्वे आ चुका है कि पप्पू यादव जी पूर्णिया से बहुत पहले जनता का जीत हो चुकी, जनता ने पप्पू को ब्लेसिंग दे दिया। पप्पू यादव मतदान के दिन अब थोड़ी देर में वोट डालने के लिए जाएंगे, लेकिन उसके पहले आज तक से खास बातचीत कर रहे थे। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पूर्णिया।